दुर्ग के गया नगर में वार्डवासियों ने मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर रुकवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। दुर्ग के शिवनगर शेषनाग मंदिर के पास दुर्गा केसरबाई साहू के मकान पर एयरटेल कंपनी द्वारा मोबाइल टावर लगाया जा रहा था, जिसको लेकर मोबाइल टावर का स्थानीय वार्डवासियों ने विरोध जताया। इसे लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में वार्डवासी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पीड़ित प्रार्थी की बहू ने मोबाइल कंपनी के लोगों द्वारा जबरदस्ती मोबाइल टावर लगाने का प्रयास करने के साथ घर वालों के साथ वार्डवासियों को धमकाने की शिकायत दर्ज की। गौरतलब है कि कंपनी कर्मचारियों का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा विधिवत परमिशन दिया गया है, लेकिन मकान मालिक के परिवार और मोहल्ले वासियों की आपत्ति के बाद केसरबाई साहू मकान में लगाए जा रहे मोबाइल टावर व परमिशन तत्काल निरस्त किए जाने की मांग की। इस संबंध में वार्ड के लोगों ने प्रतिक्रिया दी। क्रमांक 4 शिवनगर में एक केसरबाई साहू नाम के जो मकान मालकिन है, उनके यहाँ पर मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने पूर्व में आपत्ति दर्ज कराए थे, एयरटेल कंपनी का टावर लगना है उसमें। आपत्ति के बाद कंपनी ने वहाँ पर काम रोक दिया था, 10 दिन पहले की बात थी। और आज अचानक एक दर्जन लोगों के साथ कंपनी के कर्मचारी आए और तरह तरह काम शुरू कर दिया, जिससे मोहल्ले वासी आपत्ति किए। पर कोई कर्मचारी इनसे विवाद करने लग गया और विवाद इतना बढ़ गया कि विवाद करते करते हाथापाई की स्थिति बन गई थी। मुझे जानकारी हुई, मैं आया, मोहल्ले वासी को भी समझाया, उनको भी समझाया और पुलिस फोर्स भी आ गया। इस तरह से विवाद है और विवाद कहीं ज़्यादा उग्र ना हो, इसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आपत्ति दर्ज कराने आए हैं। और घर के जो सदस्य हैं जिनके यहाँ टावर लग रहे हैं, वो भी मोहल्लेवासी के साथ आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। मुझे लगता है अगर जब मोहल्लेवासी विरोध में है तो टावर का जो अनुमति दिया गया है कलेक्टर महोदय को निरस्त करना चाहिए। राजू नगर वार्ड से बोल रहे हूँ, वार्ड नंबर 4 से। टावर लगाने वाले हमारे पड़ोस में आए थे और धमकी दे रहे थे कि TI को बुलाएंगे, कलेक्टर को बुलाएंगे, ऐसे करके। और हम मोहल्ले वाले लगाना नहीं चाहते हैं, मोहल्ले वाले लगाना नहीं चाहते टावर। ऑलरेडी एक टावर वहाँ पर लग चुका है पहले से। मैं राजकुमार साहू गया नगर वार्ड नंबर 4 में रहने वाला हूँ, पड़ोसी हूँ। मेरे को इससे मतलब एयरटेल आप लगाने वाले से विरोध है, तो मैं बोलने के लिए गया हूँ कि भैया चल ही लगाना है आपको करके। तो मेरे को धमकी दे रहे थे कि मैं कलेक्टर से ऑर्डर लिया हूँ, पुलिस वाले बुला लूँ, TI को बुलाऊंगा, DI को बुलाऊंगा करके धमकी दे रहे थे मेरे को। हूँ वार्ड नंबर 4 से आई हूँ, गया नगर राजू नगर से। इसके मेरे घर टावर लग रहा है, हमको पता नहीं था, इसी का हम धोखे से लगा चुके हैं। अब इसके लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं मोहल्ले वाले, तो मोहल्ले वाले के साथ हैं हम। और टावर वाले आके हमारे घर 8-10 जन हमारे घर में ढाबी बोले हैं, यानी हाई हो गए हम लोग के ऊपर, धमकी दे रहे हैं। तो इसलिए हम कलेक्टर के पास आके अपना कंप्लेंट दिखा रहे हैं, यानी वो बोल रहे हैं हमको हमारे घर से, यानी हमको धमकी दे रहे हैं वो 20 लाख का, कि तुमको 20 लाख रुपया पटाना पड़ेगा, हमारा जो खर्चा हुआ उसको देना पड़ेगा, बोल रहे हैं वो। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।